हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो शाम के बज रहे हैं 6:30। यहाँ पर हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं। अभी यहाँ पर इतनी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, आज थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई। तो बहुत टाइम से हमारे चैनल पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कॉलेज में बिजी था और थोड़े बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इस चैनल पे कुछ यूनिक वीडियोस रेगुलरली डालने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी फ्री। ठीक है, अब फ्री मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, ये लो फ्री में प्रैक्टिस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं दुनिया भर के लोगों से। ठीक है, दुनिया भर के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, चैट रूम्स बनते हैं। आप इसी चैट रूम्स में एंटर होके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्री है, क्योंकि आप क्रेम्बली के अगर चक्कर में पड़े तो उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी सर्च किया, और सर्च करते करते एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचे हैं। ठीक है, क्रेम्बली को टक्कर दे सकता है, हाँ दे सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि किस तरह से इस ऐप को आप यूज़ करें, और जो कि हम कभी और बात कर लेंगे। आज हम बस इस टूल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और हाँ, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक और बात कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी इंग्लिश का आप जज मत कीजिएगा। मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट स्टूडेंट हूँ, और अभी भी मैं एक ऑटोनॉमस कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। तो ठीक है, मेरी इंग्लिश भी उतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। तो आप मेरी इंग्लिश को जज मत कीजिएगा, मैं अभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है फ्री फॉर टॉक। उसके बाद जो पहली लिंक अपीयर होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो आप सिंपली जीमेल की हेल्प से साइन अप कर सकते हैं। और बस उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस लैंग्वेजेस के कितने ग्रुप्स हैं, जैसे अभी इंग्लिश के 238 हैं, वियतनामीज़ के 51 हैं, और आप चाहें तो अपना खुद का ग्रुप भी बना सकते हैं। अभी हम इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा ग्रुप सेलेक्ट करके बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, और यस, गुड, यस। शुभांशु, शुभांशु यादव, हाय शुभांशु। हेलो गोविंद, या हाय, हाय, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन टू, एंड हाय आत्मप्रसाद। सो हाय यादव, या Yeah. You are from Bihar? Yeah, I'm from Bihar, but I live in Rajasthan. Oh, my God. Mm-hmm. Yeah. Okay. With my friend, so what do you do, Suhansu? Yeah, I'm a student and currently I'm in third year of my BTech. Oh, so which part of Bihar are you from? I'm from Chhapra. Oh, are you from Chhapra? So yeah, I know. Where are you from, Govind and Atma Prasad? See, basically I'm from Bihar, and in Bihar I'm from the Madhubani. Okay. But I live in Mumbai. Okay. And what about you, Atma Prasad?
I'm from Odisha, but I'm living in Bangalore. Okay. So, what you do, Govind? Yeah, I'm working as a PA, but I want to become English teacher. That's why I'm here. Okay. So, what are you discussing before my before me? Just yeah, we were connect. Just talking casually. Okay, great. Yeah. So I have just joined. I would say two minutes ago. Okay. So, what do you think about this platform? Means, how much time do you have used, and what your experience about the Free for Talk? Yeah, as far as my concerns about this app, I would say it's worthwhile for me because it's been 1 month. Mm-hmm. Since I joined this platform, I'm day by day I'm improving. Even I'm getting so much knowledge about from this app. And from this app, because of this app, I have met so many friends over this platform. And that's why I got chance to talk with those people with whom I had made a friendship with them. Okay, great. Yeah, this is the worldwide for me. Yeah, and also it's a free platform. If we talk about Cambly, it is very expensive for us. But if we talk about it, it's free. Yeah. See, if you talk about the Cambly, I would say medium people will can't afford. You know. Yeah, of course. Will won't afford. Mm-hmm. So this kind of it's very, I would say, expensive. Yeah, but Cambly and Clampingo. Yeah, I have read about it mm-hmm. before, but it's not possible for everyone. Mm-hmm. Who has money, they can join. Yeah, but I think kind of like you and me mm-hmm. won't join. But I think this platform is also very compatible to the Cambly. It's have all the features like Cambly, but in Cambly you got instructor, but here you can talk a random person, which is also quite a good thing. Yeah, but I would like to tell you one thing, Shambhu. Subhanshu, sorry. It's okay. Okay. So I would like to tell you, but you know, over this platform, you will not find all the time good people mm-hmm. who talks productive things. Yeah. You will always find here such a beginner people. Yeah. So that is the reason, and I'm trying to living in the future. In a few days, I will leave this app, this platform, because we are come here to improve our English. You know. Yeah. If we talk again and again same people, mm-hmm. I don't think we will improve our English. We need. Yeah. Every day, new word, new structure, new phrase, new idiom, new collocation, mm-hmm. which needs in our communication day by day for improving. Yeah. Okay, because so most of the my friend. Yeah, go ahead. Okay, I'm just saying that for beginners, it's a good platform. Yeah. I think there is some connection issue. I would say you can say it's a boon for beginner. Mm-hmm. तो ओके फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया था उसमें इंडियन ही थे और एक बिहार से ही थे, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा. लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिगनर लेवल पे आप फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप एडवांस लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए जो अलग कंट्री से हैं. ठीक है, तो आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली होगी. ये कह रहे थे कि इतना अच्छा नहीं है
थोड़े दिनों में हम छोड़ देंगे, ठीक है, उनकी चॉइस है, लेकिन 50,000 रुपये देने से बढ़िया फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है। थोड़ा बहुत मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी अच्छा ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक बार अच्छा ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा तो लगभग आपकी 10 से 15 मिनट की टॉक हो जाती है आराम से। तो फ्री मिल रहा है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक वो कहावत होती है भोजपुरी में, फ्री के चंदन घिसा रघुनंदन। तो वही बात ढूंढ रहे हैं ये कि फ्री में मिल रहा है तो मेहनत भी ना करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत आप कीजिए, आपको अच्छा ग्रुप मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। मैं खुद इसको एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने वेरियस कंट्री के लोगों से बात की है और मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है, तो आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि और क्या चाहिए। तुम लोग कुछ भी नहीं बताते हो, दैट्स सो रूड। शक्ल अच्छी नहीं है तो ऐसा करोगे?